हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग इन गेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स रिलेटिव विद स्टेप 8.4 विच इज इन रिलेशन टू मेजरमेंट ऑफ री एक्वायर्ड राइट्स। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल 88। सो इन दिस एग्जांपल डाटा गिवन इज सो ए लिमिटेड ग्रांट्स फ्रेंचाइज राइट को बी लिमिटेड को ऑपरेट अंडर एज नेम इन साउथर्न इंडिया ऑन 1 जनवरी ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर ए लिमिटेड एक्वायर्स 100% ऑफ बी लिमिटेड 4 रुपीज 10 करोड़। वो आपको यू को मैंशन किया है। सो ए लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 100% ऑफ बी लिमिटेड। तो दिस इज ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। सो एफ वाई इज अवर फाइनेंशियल ईयर एंड फोर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 10 करोड़। सो ए इज अक्वायरिंग 4 रुपीज 10 करोड़ मीन्स 1000 लैक्स। तो दिस इज अवर कंसिडरेशन एंड फर्दर इट इज गिवन दैट सो बीज बिजनेस कंसिस्ट्स ऑफ दिस फ्रेंचाइज राइट एंड इट हैज एस्टिमेटेड इट्स फेयर वैल्यू एट ₹2 करोड़। तो ए ने जो फ्रेंचाइज दी थी बी को, तो उसकी जो वैल्यू असेस की है, तो बी लिमिटेड हैज असेस्ड सो वैल्यू ऑफ फ्रेंचाइज राइट सो ₹2 करोड़। इट मीन्स ₹200 लैक्स। एंड फर्दर इट इज गिवन ऑन द एक्विजिशन डेट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ द फ्रेंचाइज राइट आर नॉट फेवरेबल टू ए लिमिटेड कंपेयर टू मार्केट टर्म्स बाय ₹40 लैक्स। बट इन दिस वैल्यू सो इट हैज अनफेवरेबल अमाउंट। सो हाउ मच इज दिस अनफेवरेबल अमाउंट एज कंपेयर टू मार्केट टर्म्स दिस इज ऑफ ₹40 लैक्स। सो इट्स वैल्यू इज ₹40 लैक्स। And they are asking, explain how A Limited will recognize the franchise right while accounting the acquisition transaction. तो आपने लिखना है एक ही बुक्स में हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सो इट इज गिवन दैट इन बुक्स ऑफ A Limited, सो देयर इज नो एसेट फॉर फ्रेंचाइज राइट। तो आपको कुछ मेंशन नहीं किया है कि कितनी वैल्यू पर अपीयर हो रही है। एक ही बुक्स में फ्रेंचाइज राइट जो एज इनटेंजिबल एसेट है, कितनी देर है जो नो एसेट हो। तो उस केस में आपको देखना है कि आपको कितना सेटलमेंट के टाइम लॉस हो रहा है। सेटलमेंट लॉस है आपका, यदि आप कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं या जो अनफेवरेबल अमाउंट है विच एवरेज गिवन। तो उस केस में कोई पेनल्टी मेंशन नहीं की, सो ओनली अनफेवरेबल अमाउंट है, ये आपका माना जाएगा सेटलमेंट लॉस। तो सेटलमेंट जो लॉस है उसको हमने PNL में चार्ज करने हैं, और जो रिमेनिंग रह जाएगा आपका फेवरेबल कंपोनेंट ऑफ फ्रेंचाइज राइट विच इज 200 माइनस 40, वो आपने एज ए एसेट रिकॉग्नाइज करने हैं। उसकी एक एंट्री बन जाएगी अब सेटलमेंट लॉस सो ऑन फ्रेंचाइज राइट सो अकाउंट डेबिटेड। इसको आप PNL में डेबिट कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक आपको शो करनी है अपने इनटेंजिबल एसेट, लेट इज राइट इस नेम इज फ्रेंचाइज राइट, दिस इज अवर इनटेंजिबल एसेट टू कॉन्सिग्रेशन। और उसके लिए आप कितना कॉन्सिग्रेशन पे कर रहे हैं, दिस इज कॉन्सिग्रेशन फॉर फ्रेंचाइज राइट। को अमाउंट शो कर रखे हैं, रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। यू कैन सी सेटलमेंट लॉस है जितना हमारा अनफेवरेबल अमाउंट है, दिस इज ₹40। टोटल कॉन्सिग्रेशन जो उसकी फेयर वैल्यू है, दिस इज 200 लैक्स। तो बैलेंस आ जाएगी आपकी फेवरेबल वैल्यू विच इज 160। ये आपके इनटेंजिबल एसेट बन जाएगी। अब आपने लिखना है कि जो हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है, जब आपने 100% एक्वायर किया बी को, तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, उसकी जो एंट्री बन जाएगी, तो उसका कॉन्सिग्रेशन है 1000 लैक्स, उसमें से फ्रेंचाइज राइट का कॉन्सिग्रेशन है 200। एक मीन रिमेनिंग आपकी मानी जाएगी नेट एसेट्स जो आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किए हैं, 2 कॉन्सिग्रेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब जो नेट एसेट्स आप एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू मेंशन नहीं की है, तो हम यूम करेंगे सेम ही है 1000, उसमें फ्रेंचाइज राइट की वैल्यू भी इंक्लूड है 200। इसमें जो रिमेनिंग एसेट्स हैं आपकी, उसकी जो फेयर वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1000 माइनस 200, दिस विल बी 800 लैक्स।
एंड कॉन्सिग्रेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन इज 100 लैक्स। सो नेक्स्ट टाइप का सी एग्जाम्पल 89। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, सो ए ओन्स एंड ऑपरेट्स ए चेन ऑफ रिटेल पिज्जा स्टोर्स, ए आल्सो लाइसेंसेस द यूज ऑफ इट्स ट्रेड नेम थ्रू फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स फॉर रिन्यूएबल 5-year terms। तो ए के अपने पिज्जा स्टोर्स हैं, उसने अपना लाइसेंस भी रखा है टू यूज ट्रेड नेम फॉर 5 ईयर। द फ्रेंचाइजी है टू पे ए एन अप फ्रंट फी एंड रॉयल्टी ऑफ 6% ऑफ रेवेन्यू फॉर कंटिन्यू यूज ऑफ द ट्रेड नेम। बी ये फ्रेंचाइजी बट डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर और असाइन द फ्रेंचाइज राइट विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ ए। देखो आपको मेंशन किया है, तो ए का अपना बिजनेस चल रहा है जिसे रिटेल पिज्जा स्टोर्स, और ए ने अपना लाइसेंस भी दे रखा है फॉर फ्रेंचाइज एंड बी हैज आल्सो टेकन लाइसेंस। इट मीन्स बी हैज लाइसेंस फॉर फ्रेंचाइज ऑफ ए एंड फॉर दिस पर्पज सो बी विल पे रॉयल्टी। इट मीन्स बी सो पे यू रॉयल्टी ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स सेल्स, तो जितने भी बी की सेल्स हो रही हैं उसके बेस पर हम कुछ रॉयल्टी भी पे कर रहे हैं। नाउ इट इज गिवन दैट ए एक्वायर्स बी फॉर कैश कंसिडरेशन। अब ए ने बी को एक्वायर कर लिया है, ए एक्वायर्स बी फॉर कैश कंसिडरेशन। बी हैज 3 ईयर्स रिमेनिंग ऑन इट्स फ्रेंचाइज राइट विद ए एज एन एक्विजिशन डेट। और अभी ये जो फ्रेंचाइज लाइसेंस है तो अभी इसके जो रिमेनिंग है 3 साल हैं अभी आपके, एक है जो रिमेनिंग 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर इज नो अनफेवरेबल और फेवरेबल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, को इसमें कोई फेवरेबल या अनफेवरेबल कुछ मेंशन नहीं किया है। सो हाउ फ्रेंचाइज राइट विल बी रिकॉग्नाइज बाय कंपनी ए इन स्कीम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बस आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बेसिक रूल है, सो ए विल रिकॉग्नाइज सो एक्विजिशन ऑफ गिस फ्रेंचाइज लाइसेंस सो फ्रॉम बी गिस का जो री एक्वायर्ड राइट एंड इट विल बी रिकॉग्नाइज, इसको फिर हम रिकॉग्नाइज कर देंगे उसकी बुक्स में एज इनटेंजिबल एसेट। तो आपने इसको एज इनटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करना है, और इसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, एज इट्स फेयर वैल्यू जो भी आगे इसकी फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, जो भी आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मिलेंगे। बट यू आर ऑलरेडी गेटिंग सम रॉयल्टी आल्सो, तो उस कैश फ्लो में से आप रॉयल्टी को माइनस कर दीजिए। इट मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग रॉयल्टी, तो मीन्स आपको ये देखना है कि रॉयल्टी को एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कैश फ्लो आपको कितना मिलना है, बचा फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर डिडक्टिंग रॉयल्टी विच इज रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी है आपका इसमें फ्रॉम बी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आपने शो कर देना है एज इनटेंजिबल एसेट एंड इट विल बी अमोर्टाइज्ड। फ्यूचर में हम इसको राइट ऑफ करेंगे, इट विल बी अमोर्टाइज्ड। अब इसकी जो लाइफ है रिमेनिंग 3 ईयर्स ओवर इस रिमेनिंग लाइफ ओवर 3 ईयर्स, और किस तरीके से आप अमोर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट को जब हम अमोर्टाइज करते हैं तो आपने 3 साल में अमोर्टाइज करना है। इनका रेशियो ऑफ जो भी आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट्स आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, देन इट विल बी रिटन ऑफ इक्वली ओवर इट्स रिमेनिंग लाइफ। तो नेक्स्ट लेके सी एग्जाम्पल 90। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन एंटिटी ए एक्वायर्स 100% इंटरेस्ट इन एंटिटी बी फॉर ₹350 लाख। Before acquisition, entity A sold to entity B an exclusive right to use entity A's technology in a specified territory. तो entity A ने अपने कोई अपने intangible asset जो है आगे transfer कर रखी है entity B को। Entity B also pays revenue based royalty on a monthly basis. The terms of the technology licensing agreement state that in entity A terminates the agreement without cause, entity A वुड बी रिक्वायर टू पे पेनल्टी ₹30 लाख। तो इस केस में यदि ए अब कोई भी टर्मिनेशन करती है अपने राइट का तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 30 लाख। सो नाइदर एंटिटी ए नोर एंटिटी बी हैज रिकॉग्नाइज एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज रिलेटेड टू द लाइसेंस एग्रीमेंट, और कोई उनकी बुक्स में ऐसे क्या लाइबिलिटी अपीयर नहीं हो रही है।
तो पहले देखते हैं आपको ग्रह का देखो मेंशन किए हैं वर्णी के एंटिटी ए है कि अक्वायर जो सो 100% ऑफ एंटिटी बी, और एंटिटी ए ने एंटिटी बी को ट्रांसफर कर रखा है एक टेक्नोलॉजी राइट फॉर इट्स यूज, और इसकी जो बुक वैल्यू है जैसे कि जीरो, बुक्स में इसकी वैल्यू अपीयर नहीं हो रही है। बट एंटिटी ए विल हैव टू पे पेनल्टी इफ दिस एग्रीमेंट इज कैंसल्ड, इट मीन्स ए विल हैव टू पे पेनल्टी। पेनल्टी आपको देखो मेंशन की है एंड गैटिंग ऑफ रुपीज 30 लैक्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट। अब जो ए ने एक्वायर किया है बी को जिसे 4 रुपीज 350 लैक्स, ये आपका कॉन्सिग्रेशन हो गया 4 रुपीज 350 लैक्स। एंड फर्दर की गिवन फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट इज असेस के कू भी ₹120 लाख विच इंक्लूसिव वैल्यू ऑफ ₹20 लाख फॉर द फ्यूचर रॉयल्टीज विच आर बिलो करंट मार्केट रेट्स। अब इस राइट की आपको फेयर वैल्यू दी है, फेयर वैल्यू है ₹120 लाख, और इसमें आपके ये भी इंक्लूड हैं जो भी आपको रॉयल्टी मिलनी है फ्यूचर में 20 लाख से, बट जिसे बिलो करंट मार्केट रेट, तो इट मीन्स इसके फेयर वैल्यू में इंक्लूड है आपका अनफेवरेबल अमाउंट। अनफेवरेबल अमाउंट को क्या है कि एज कम्पेयर टू मार्केट क्रम से आपकी जो फेयर वैल्यू हमने एक्सेसिव शो कर रखी है तो जैकेट रुपीज 20 लैक्स, तो ये आपको मेंशन की है। सो नाउ देयर आस्किंग फेयर वैल्यू नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एंटिटी बी एज ग्रे को बिजनेस कॉम्बिनेशन है ₹320 लैक्स, और जो बी कंपनी है आपकी बी एंटिटी उसकी फेयर वैल्यू दी है आपको नेट एसेट्स की, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स जिसे ₹320 लैक्स एंड 320 लैक्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू लाइसेंस एग्रीमेंट को 120 लैक्स, और इस वैल्यू में ये भी इंक्लूड है आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट किसी इंक्लूडेड। सो रिकॉग्नाइज का बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एंटिटी ए, एंटिटी ए की बुक्स में आपने रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब आप अपना टेक्नोलॉजी का लाइसेंस रीअक्वायर कर रहे हैं उसमें आपको कितना पहले को लॉस कितना हो रहा है, सेटलमेंट लॉस ऑन एक्विजिशन और विकी का जो री एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस राइट, जो लाइसेंस का राइट आप एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें जो लॉस हमारा इक्वल होता है जो भी आपको पेनल्टी पे करनी है और जो आपका अनफेवरेबल अमाउंट है विच एवरी की लोअर, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा आपका, तो आप देखिए अनफेवरेबल अमाउंट है 20 लैक्स, पेनल्टी है आपकी 30 लैक्स, सो लोअर इज दिस मंथ अनफेवरेबल अमाउंट, ये आपका सेटलमेंट का लॉस माना जाएगा ₹20 लाख। इसको आपने चार करने हैं पी एंड एल में। अब जो टोटल फेयर वैल्यू है 120 उसमें से लॉस माइनस कर लीजिए, बैलेंस उसकी फेवरेबल वैल्यू मानी जाएगी, उसको आपने एज इनटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करना है। फिर देखो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है जो कॉन्सिग्रेशन है 350, अब उसमें ये भी इंक्लूड है आपकी फेयर वैल्यू के जो लाइसेंस राइट है उसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं 120, तो वो कॉन्सिग्रेशन में से माइनस करेंगे, और जो नेट एसेट्स हैं इसमें भी इंक्लूड है आपका 120 उसमें से भी माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं जनरल एंट्रीज कैसे होंगी ए की बुक्स में। तो लेकिन से जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ एंटिटी ए, तो पहले को आप सेटलमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कीजिए ऑन लाइसेंस राइट, इसको पी एंड एल में चार कर देंगे हम। फिर आपने लाइसेंस का राइट अपना रिकॉग्नाइज करना है कि इनटेंजिबल एसेट लाइसेंस राइट विच इज रिक्वायर्ड जिसे कि इनटेंजिबल एसेट रुपीज आपके हैं लैक्स में, तो सेटलमेंट लॉस है जो आपका 20 लैक्स विच वी हैव कैलकुलेटेड, बैलेंस वैल्यू रहेगी आपकी 100, तो ये आपने अमाउंट पे करना है एंटिटी बी को विच इज टू कॉन्सिग्रेशन जो भी आपने टोटल कॉन्सिग्रेशन पे किया है एंड उसमें इंक्लूड है ये, तो जिसे टू कॉन्सिग्रेशन फॉर लाइसेंस राइट, तो गैटिंग एट फेयर वैल्यू दिस इज 120 लैक्स। फिर आप एंट्री कीजिए, अब जो आपने नेट एसेट्स एक्वायर किए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स अकाउंट गैटिंग, तो ये नेट एसेट्स की देखो वैल्यू की थी 320 लैक, उसमें से आप माइनस कर लीजिए 120 फॉर लाइसेंस राइट, तो दिस विल बी 300,
टू कंसिडरेशन, फोर बिजनेस कॉम्बिनेशन। कंसिडरेशन है जो हम शो करेंगे, टोटल कंसिडरेशन है आपका 350 लाख, और इसमें इंक्लूड है आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस राइट, इट मीन्स ये बैलेंस रह जाएगा आपका 230 लाख। इसमें भी 320 माइनस 120 दिस इज आल्सो 200, जो डिफरेंस है वो आपका गुडविल या कैप्चर गेन में एडजस्ट हो जाएगा, तो इस केस में आ रही है आपकी गुडविल। सो गुडविल अकाउंट जनरेट दिस इज कमिंग 30 लाख, इट मीन्स जो री अक्वायर्ड आपका लाइसेंस राइट है तो उसकी वैल्यू को आपने एडजस्ट करने हैं टोटल कॉन्फिगरेशन में, और जो टोटल नेट एसेट्स हैं उसी के बाद हम डिफरेंस एडजस्ट करके गुडविल या कैपिटल फ्रीगर में। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ एग्जांपल से रिलेटेड ये स्टेप 8.4 इन रिलेशन टू मेजरमेंट ऑफ री अक्वायर्ड राइट। पर ये टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।